अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अफ्तारी में कुछ ना कुछ तो बनाती रहती हैं, लेकिन आप अपनी सहरी की रूटीन भी हमारे साथ शेयर करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सहरी का टाइम शुरू हो गया है और इस्तांबुल के अंदर भी इस तरह से आते हैं लोग ड्रम बजा के सहरी में उठाने के लिए। टर्की में भी ऐसा होता है। तो बस इस ड्रम की आवाज़ से हम अपनी सहरी शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज सहरी में क्या बनाने वाली हूँ। सब कुछ मैं फ्रेश बनाऊँगी आज सहरी के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पड़ा हो। तो ये स्पेशली वीलॉग मैं इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सब कुछ फ्रेश बना रही हूँ। नॉर्मली मैं फ्रेश बनाती हूँ, तो चिकन के साथ मैं आज कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाली हूँ। तो लेट्स सी, मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं दो और उस ब्रेस्ट पीस को मैंने काट लिया है लाइक छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर, या आलमंड शेप भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे मैं चिकन्स को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। सोचा तो मैंने जो इमेज माइंड में बनाई हुई है वो बनाई है क्रीमी वाइट हांडी बनाने की। दैट्स व्हाई मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो आई होप कि ये अच्छी बन जाए। तो ये देखिए, मैंने दोनों इस तरह से कट कर लिए क्यूब्स के अंदर। और बिल्कुल फ्रेश चिकन था ये जो बिल्कुल अभी लाया गया। आपको आइडिया हो रहा होगा इसके लुक से। सो अब बिल्कुल फ्रेश मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट में तैयार कर रही हूँ। ये लहसुन मैंने और अदरक छील लिया था अच्छे से, इसको पील कर लिया था। अब मैं इसको बिल्कुल फ्रेशली इसको ग्राइंड करके ना इन दोनों की एक पेस्ट रेडी कर रही हूँ। टमाटर को आपने बहुत छोटा छोटा सा कट करना है। हांडी बना रही हूँ इसलिए इसमें मैं प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल प्याज नहीं यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 3 टमाटर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बड़े वाले, और उनको भी बहुत छोटा क्यूब्स में काटा, मतलब बहुत छोटा नहीं लेकिन इतना कि ये अच्छी तरह से भुन जाए और हमारे मसाले के अंदर टमाटर ज़्यादा नज़र ना आए। हमने बिल्कुल इसको भून लेना है, प्रॉपर इसको बना लेना है। तो ये सारे टमाटर मैं इस तरह से फ्रेश काट रही हूँ। वैसे तो सारे रमज़ान सहरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने में रही हैं, और लेकिन आज ज़रा आखिरी सहरी है, आखिरी मतलब इस रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी गुजर गया, इस रमज़ान की आज लास्ट सहरी है। तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए। टमाटर मैंने अच्छी तरह से की उसमें काट लिए हैं। ये ऑयल इसमें गर्म हो रहा है हांडी के अंदर। मैं सारे टमाटर जितने भी हैं वो सारे इसमें डाल के हमने सिर्फ इनको भूनना है। बिल्कुल रफ सी वीडियो है, मैंने कोई इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं की हैं क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मेरी सहरी की रूटीन क्या है, मैं किस तरह से काम करती हूँ सहरी के अंदर। तो जिस तरह से भी मैसी हो के मैं जिस मैसी किचन के अंदर मैं काम करती हूँ या जिस तरह भी बन रहा होता है खाना, मैं आपको बिल्कुल रियल चीज़ें दिखा रही हूँ अभी। तो ये टमाटर जैसे थोड़े से हमारे ब्राउन हो रहे थे, थोड़े से गलना शुरू हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने अभी फ्रेशली बनाई है मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब आपने इसको थोड़ा सा इसके अंदर भूनना है और फ़ौरन से इसके बाद चिकन ऐड कर देना है। ये जो बोनलेस चिकन हमने अभी काटा था ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आप इसको इससे चिकन के साथ अच्छी तरह भूनें। ये हमने अच्छी तरह से भून लिया। ये मसाला है, मैंने ये मसाला जिस तरह से पहले भी रेडी करती हूँ मैं अक्सर, मैंने वीडियो में लिंक में नीचे दूंगी कि मसाला मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने सिर्फ लिया है और मैं इसको दही के अंदर मिक्स करके, इस मसाले को दही के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से पेस्ट बना रही हूँ। ये एक पेस्ट बन गई है और ये सिर्फ मैं डायरेक्टली ये मसाला इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये जो चिकन हमने थोड़ा सा भुना था ऑयल के अंदर, इसके अंदर मैंने दही के साथ का मसाला भी ऐड कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैं मसाले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप उसको देखिएगा। आप बिल्कुल घर में बना सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले मसाले यूज़ करने की बाहर से, आप घर पे बनाएं और बल्कि बना के इसको पीस के रख लें अच्छी तरह से। अब ये देखें ये अच्छी तरह से बनने लग गया। दही जो है वो पानी छोड़ेगा, आपने इसको बहुत अच्छे से जस्ट पकाना है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर रही है रेड और ग्रीन चिलीज़। रेड और ग्रीन चिलीज़ मैं डाली हूँ, रेड मेरे पास थी मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि यहाँ की ग्रीन चिली ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ये सिर्फ बस नाम की ही ग्रीन चिली है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी और रेड पेपर पेपरिका थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि मसाला तो मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं क्यों इसके अंदर कर रही हूँ इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते।
क्योंकि मैंने इसमें डालना था दूध, दूध डालने की वजह से शायद इसके स्पाइसेस में थोड़ा सा तीखापन कम हो जाता, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था पेपरिका। एक ग्लास मैंने पूरा दूध इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैंने भूनना है दूध के अंदर। नॉर्मल कढ़ाई तो आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन ये भी काफ़ी मज़े की बनती। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एक कप क्रीम मैंने ली थी, और ये एक कप क्रीम इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं बचाऊँगी जो लास्ट पे हम इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए डाल देंगे। ये देखें कितने अच्छे से हांडी बन रही है, और बिल्कुल वाइट वाइट सा हम लोगों का डिश का कलर आ रहा है। अब मैं इसको लिड को कवर करके इसको थोड़ी देर हल्की फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और बिल्कुल रेडी हो जाए। अब ये देखें मेरे पास ये काजू और बादाम की पेस्ट है पिसी हुई, ये मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने ऐड की है काजू बादाम की पेस्ट, इससे ये होगा कि और अच्छा एक टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास काजू और बादाम हैं, या खाली अगर काजू हैं तो उनकी पेस्ट बना के ग्राइंडर के अंदर डाल के आप इसमें ऐड करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका इन्हेंस होकर निकलेगा। तो अब ये रेडी है ऑलमोस्ट मेरा, मैं इसके ऊपर लास्ट में थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ, ये बिल्कुल रेडी है परफेक्ट। अब मैं आई हूँ बाहर, मैं एक्चुअली बाहर इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरे घर में रोटी नहीं है, मोस्टली यहाँ पर रोटी बनती भी नहीं है घरों के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं बेकरी से रोटी ले लेती हूँ। तो मुझे ये नज़र आया त्रिलचे, इट्स लाइक मिल्की केक, जो यहाँ का बहुत मज़े का मिल्की केक है। तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट, आज आखिरी सहरी है तो कुछ मीठा भी हो जाए, इस रमज़ान की लास्ट सहरी है। तो मैंने ये ऑलमोस्ट 4 मिल्की केक्स पैक करवा लिए, तो मेरे साथ साथ घर वाले भी खा लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने बिल्कुल जल्दी से पैक करवा ली है, अब काउंटर पे चलते हैं। अभी भी सहरी ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है, लाइक ऑलमोस्ट आधा घंटा तो पड़ा हुआ है। ये पैक हो गया, आपको पीछे ब्रेड नज़र आ रही होगी, इसको पिदे बोलते हैं यहाँ पर। ये ब्रेड मैंने ले ली है खाने के लिए, क्योंकि ये गरम गरम नान शेप की ब्रेड होते हैं। मैं आपको घर जाके पे दिखाती हूँ कि ये किस तरह से थी। तो बेकरी थी, बेकरी से डन हमने कर लिया है ये। अब सिर्फ मैं सामान लेके घर की तरफ वापस चलती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया अब सहरी के अंदर, और जल्दी से सहरी भी करनी है। ये मैंने उठा लिया, चेंज ले लिया, और ऑन द वे टू होम। सो कढ़ाई रेडी है, सॉरी हांडी रेडी है, और ये गरम गरम नान जो भी बाहर से आए हैं, और ये क्रीमी कढ़ाई, साथ में लस्सी बना रही हूँ मैं। लस्सी बहुत सारी घरों के अंदर लस्सी बनती है सहरी के अंदर, तो ये मैंने लिया है। यहाँ पे एक गाढ़ा थिक क्रीम मिलता है, क्रीम दही मिलता है, बहुत ही थिक होता है, गाढ़ा होता है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। शुगर मैंने ऐड की है, नॉर्मल लस्सी जैसे बनाते हैं, तो उसी तरह से मैंने चीज़ें जग में डाल दी हैं। शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, पहले शुगर और दही को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक अच्छा इसका टेस्ट एनहेंस हो जाए इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने अब इसमें दूध ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा थिक लस्सी पी जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा दही ज़्यादा रखती हूँ, दूध कम रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि थिक रहे। और यहाँ पे एक दही मिलता है जिसमें बलाई होती है ऊपर सारी, तो वो वाला भी दही बहुत अच्छा होता है। ये देखें लस्सी भी रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं। खाना ऑलरेडी घर वालों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये है लस्सी जो बिल्कुल अभी ठंडी ठंडी लस्सी मैंने बनाई है, इसके साथ जो मिल्की केक आया था ये वो है, और लस्सी का ग्लास है। अब लस्सी तो मैं पीने वाली हूँ, और साथ में ये त्रिलचे और मिल्की केक भी अब मैं सहरी में इंजॉय करूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी एक सहरी रूटीन जो मैं अक्सर सहरी में खाती हूँ करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।